यूपी के आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बासुपार बनकट गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सुविधा संपन्न अपात्र लोगों को आवास देने का आरोप लगाया है और इस मामले में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी सगड़ी को ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि सुबह लगभग 12 बजे बासुपार बनकट में दर्जनों की संख्या में ग्रामीण तहसील मुख्यालय पर पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इन अपात्र लोगों से धन उगाही करके इनका नाम सूची में डलवाया गया और ऐसे लोगों को आवास आवंटित करा दिया गया जो इस सूची में है ही नहीं। वहीं ग्रामीणों के आरोप पर उप जिला अधिकारी सगड़ी वागीश कुमार शुक्ल ने खंड विकास अधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। क्या नाम है सर? हरिनाथ। कहाँ से आए? बासुपार से। क्या समस्या आया? समस्या आया है कि हमारे ग्राम बासुपार में निवास आया है। अच्छा। बच्चों के सबको लिए, बसरते अपात्र और पात्रों के लिए। पात्रों को नहीं दिया गया, अपात्रों को दिया गया है। अच्छा। यहाँ तक कि प्रधान को बहुत कहा गया, वो पैसा भी लिए और सबसे भी लिए धीरे धीरे कि देंगे देंगे, मगर आज और कल करते करते ऐसा कर दिए कि कुछ भी किसको नहीं दिए। अच्छा। हाँ, और वही हुआ, वोट का मामला लेकर के जो उनके पक्ष का रहा उन्हीं को दिए। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि आगे चल करके वीडियो को और आगे पिछले अधिकारियों को आप लोग लिया गया था क्या आप लोगों से? पैसा, हाँ, सबसे भी पैसा लिया गया था। अरे ये तो जिनको आवास दिया गया उनको 10-10 हज़ार रुपया तक ले लिए गए हैं। जो निकाले हैं आवास दिए उनको 10-10 हज़ार रुपया ले लिए हैं। यह कह करके कि हमको 10 हज़ार चाहिए 1,20,000 में से। ये कौन पैसा लिया? ये लिए हैं प्रधान। प्रधान का क्या नाम है? इनका प्रधान नाम है रामहित। हाँ, बासुपार के प्रधान है रामहित। ठीक। क्या नाम है? सितारा। कौन सी ग्राम? बासुपार बनकट। का मामला सगड़ी तहसील पे? तहसील पे ये मारे आल हैं कि आवाज जेकरे आयल रहल हैं वो करे अब पहली प्रधानी में बिहागर बाबा के, अब फिर उनके दोबारा आ गल है। आ जेकर छत हो के आयल है, जेकर ना हो करे ना आयल है। आ दूसरी वाली बात ही है कि चल के जांच कर लें कि के पात्र है के ना पात्र, के करे छत है के करे ना छत है, ये पहला जांच करें। दूसरी वाली, बारिश में इतना पानी भर जाला, लेकिन तो हम उनके अले गले कहीं रास्ता ना रही, आ ये ना देखे ना प्रधान। आ प्रधान कहिए बस हम तुके आवास देते हैं, ऐसे करते करते आज तक आवास ने कहना देंगे देंगे देंगे, आज तक ना देना। आ कहते हूँ दियाई ए सूची में दियाई, वो सूची में दियाई, पहले सब करा गल चल के पहले जांच करें कि के करे घर है के करे ना, के करे छत है के करे, हाँ के करे छत है के करे ना छत है। नहीं, हम तो ना पैसा दे ले हैं, हम पैसा देते रहने तो कहलों कि ऐसा ना कि बाद में हमके पैसा दे, तो हमारे ना पैसा भर उनके पैसा ना देने। हाँ, ये लोग पैसा दे ले, हाँ ये लोग 5-5 सौ 6-6 सौ रुपया लोग दे ले हैं। साहब कहला हाँ कि चलो हम जांच कराएंगे देखेंगे जैसा होगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? तब हम डीएम के यहाँ जाएंगे, हाँ आगे जाएंगे, ये जांच करें कि किसको छत है किसको नहीं है और किस कौन पात्र है कौन नहीं पात्र। जिसको झोपड़ी उसको भी नहीं दिए हैं, जो है आंगनबाड़ी में है, जो सर्विस कर रहा है उसको दे रहे हैं, जो न कर रहे हैं नहीं दे रहे हैं, यही तो लोग कर रहे हैं। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।